ठंड का विघ्न हो रहा है, इतनी ठंड आज तो, आज सूर्य देव ने दर्शन ही नहीं दिए बिल्कुल भी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, शाम की गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? तो चल, जैसे कि पता है कि भाई ठंड का बहुत ज्यादा प्रकोप चल रहा है और स्कूलों की छुट्टी हो गई है, तो कल से 5 दिन की छुट्टी है, तो कल सुबह कहीं चलते हैं, निकलते हैं, बनाते हैं प्रोग्राम। अभी देखते हैं क्या बनेगा, कल सुबह का देखते हैं क्या प्रोग्राम बनेगा, कैसे बनेगा, कहाँ का बनता है। कल शुरू करते हैं, कल से घूम के आते हैं कहीं अच्छी सी जगह पे। बहुत यार ठंड तो वैसे ज्यादा है, लेकिन चलते हैं, क्या करेंगे, खाली एक टंकी तेल है उसको फूकाएंगे, फिर आके देखेंगे क्या करना है। कल लेके चलते हैं आप लोगों को भी कहीं अच्छी सी जगह। भाई साहब, एक तो ट्रैफिक की इतनी भसड़ मची रहती है यार, इस टाइम बुरा हाल हो जाता है, मतलब सबको ही तो इतनी जल्दी रहती है कि पता नहीं लोग क्या ही करके मानेंगे, कहाँ जाना है, क्या करना है, समझ नहीं आता भाई। इतनी जल्दबाजी में रहते हैं लोग, इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। भले ही वहां जाके 2 कदम पे जाके खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन ड्राइविंग स्किल्स पैथेटिक है लोगों की, बहुत मतलब है ही नहीं ये कह सकते हैं। कहीं भी जिसको जहां जगह मिलती है वहीं घुसा घुसा के खड़ा हो जाता है। अब कहो भी किसको क्या, बेचारे इतने इनोसेंट लोग हैं, किसी को टोक दो तो कहेंगे हाँ भैया गलती तो हमारी है। अब क्या कहोगे उसके आगे, कुछ नहीं कह सकते। चलो ठीक है भैया, गलती है तो करो, गलती बनी इसलिए, करने के लिए करते रहो भाई, गलती करते रहो, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कभी कभी ज्यादा भी मिल जाता है सीखने के लिए, गलती करो अच्छा है। बाकी ये है कि भाई ठंड बहुत हो रखी है, अभी 5 बजे हैं, मतलब 4:45 हुए हैं, और अभी से ऐसा माहौल हो रखा है जैसे शाम के मतलब 7 बजे का टाइम हो रखा है, और फॉग सी हो रखी है चारों तरफ, लेकिन बर्फीली हवा चल रही है, चुभने वाली हवा चल रही है, लिटरली लोग आज मतलब आग जला के बैठे हैं सुबह से, आज सुबह से एक बार भी धूप नहीं निकली, एक बार भी। मैं सोच तो रहा था कि अब की बार बाइक पे चले, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही, हंटर जब से ली है तब से बेचारी खड़ी ही है, 2 ही ट्रिप लगी उसके ऊपर, दोनों बार में उसमें कुछ ना कुछ कांड ही हो गया बेचारी में। अब देखते हैं, अभी तो इसी से घूमाते हैं गाड़ी से, उसके बाद अगली ट्रिप पे तैयार करते हैं हंटर को, दोबारा से सर्विस वगैरह करा के खड़ी कर रखी है, परफेक्ट बना रखी है।
ठंड बहुत है यार, लेकिन और पहाड़ों में तो और ज्यादा ठंड मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा मौसम जनवरी जनवरी बीत जाए, हल्की मिट्टी ठंड रहेगी तब चलेंगे। फिलहाल देखते हैं कल कुछ नई जगह, देखते हैं कहाँ मिलेगी, कोई ढूंढते हैं, कुछ नया ढूंढते हैं अलग से, भीड़ भाड़ से दूर कुछ, जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा ना जाते हो, कोई शांत सी जगह, ठंडी सी जगह देखते हैं, मतलब यहाँ से ज्यादा ठंडी, बोल दो ये बहुत ठंडा हो रखा है, लेकिन पहाड़ों का अपना ही मजा है भाई। चलो चलते हैं, कल मिलते हैं आप सब लोगों से। ये देखो भाई साहब मौसम का क्या हाल हो रखा है, किसी को लगता है कि शाम को 5-6 बजे का मौसम है? शाम को मतलब 5 बजे हैं अभी तो लिटरली, और 5 बजे ये हाल हो रखा है कि आप इतनी ठंड, मतलब बहुत चुभन वाली ठंड हो रखी है, और फोग अभी से शुरू हो चुका है। ये देखो हल्का हल्का फोग आपको दिख रहा होगा पेड़ों के बीच में, ये देखिए, लेकिन शुरू हो चुका है ठंड का बहुत बहुत, मतलब जो गलन वाली ठंड है ना, गलन वाली हवा चल रही है ठंड की, बहुत बुरा हाल है। और ये अपनी दनों तैयार हो चुकी है, कल सुबह के लिए रेडी है ये, इसको कल सुबह निकाल देते हैं। टंकी फुल हो चुकी है, सारी चेकअप रेडी हो चुका है इसका, और कल इसको चला देते हैं अपनी रूट के ऊपर। कल फिर ये जाएगी 2000 किलोमीटर के करीब, तो होप सो मिलते हैं कल, आपको दिखाते हैं कोई अच्छी सी नई सी लोकेशन, कुछ अच्छी सी जगह पे,